हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज इंदर मौर्य। आज के दिन मार्केट फर्स्ट हाफ में कम्प्लीटली साइडवेज रहा। फर्स्ट हाफ में हमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं देखने को मिला। सेकंड हाफ में हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा बाइंग सेंट का मूवमेंट देखने को मिला। तो फर्स्ट हाफ में हमें ना तो 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी पर कोई ट्रेड मिला, ना ही 5 में प्लस नो लॉस स्ट्रेटजी पर कोई ट्रेड मिला। मैंने अभी कुछ दिन पहले, 2-3 वीक पहले मैंने एक्सपायरी डे की 12:30 ब्रेकआउट स्ट्रेटजी आप सभी के साथ शेयर किया था, और इसका बैक टेस्ट डेटा भी आप सभी के साथ मैंने शेयर किया हुआ है। और तो इस स्ट्रेटजी का यहाँ पर आज फॉर्मेशन हुआ था। देखिए, यहाँ पर मार्केट कम्प्लीटली एक रेंज के अंदर, देखिए फर्स्ट हाफ में मूव करता रहा। उसके बाद 12:30 के बाद मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल पर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट दिया, तो हमें यहाँ पर ट्रेड लेना था। तो मैंने आज यहीं पर अपनी पोजिशन इसी ट्रेड में बनाया। एक्सपायरी डेट 12:30 ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का जो मैंने सेटअप शेयर किया हुआ, इसी सेटअप पर मैंने आज अपना ट्रेड लिया, और जिसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। और मैंने इसी स्ट्रेटजी में आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताया भी है कि जब ये इस तरीके का जब मार्केट रहता है कम्प्लीटली साइडवेज जब रहता है, जब इसका मार्केट ब्रेकआउट करता है, तो ये एक तरीके से एकदम जैसे बबल का फॉर्मेशन नहीं है तो फट जाता है, तो सेम वैसे ही था। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 से 4 थोड़ी देर के अंदर ही यहाँ पर हमारा इसमें टारगेट हिट हो गया। और इसमें जो मैंने यहाँ पे टारगेट रखा था, ये जितने पॉइंट का यहाँ पे रेंज है उतना ही पॉइंट मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ प्रिडिक्ट कर लिया था। हालांकि मार्केट इसके बाद भी ऊपर गया, पर मैं यहाँ से अपने डेट से एग्जिट कर दिया था, क्योंकि ये 12:30 के बाद का ब्रेकआउट था। तो यहाँ पर मतलब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में तो गया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 46,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर भी था, तो यहाँ से मार्केट के नीचे आने की प्रोबेबिलिटी भी थी, तो इसलिए मैं यहाँ से एग्जिट हो गया। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता तो काफ़ी तेज़ी से मार्केट नीचे जाता, और यहाँ पर जो हमारा प्रीमियम था वो प्रीमियम भी काफ़ी तेज़ी से डिके हो सकता था। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लिया, और इसमें मुझे ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया। और यहाँ पर जो मुझे आज इसमें प्रॉफिट हुआ है वो 1.01 लाख, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 1 लाख का इसमें प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो क्वान्टिटी लिया था क्वान्टिटी ज़्यादा लिया था। यहाँ पर मैंने 10 लॉट में ट्रेड किया, क्योंकि ये जो सेटअप है ये हाई एक्यूरेसी सेटअप है। यहाँ पर जब आपको इस तरीके का जो मार्केट होता है ये जल्दी मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो इसमें जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट बहुत ही अच्छा होता है। और अब बात करें तो इसमें क्या कहते हैं 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी के सेटअप का, तो यहाँ पर आज के दिन हमें 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी पर 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी पर हम लोग को यहाँ पर सिर्फ आज के दिन 2 ट्रेड मिला। पहला ट्रेड यहाँ पर मिला है, और इस ट्रेड में हम लोग को SL को ट्रेड करने का कोई भी चांस नहीं मिला। यहाँ पर सीधा डायरेक्ट SL हिट हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग को यहाँ पर 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी का एक सेटअप, उसके बाद हम लोग को 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी का एक सेटअप यहाँ पर मिला इस लेवल पर। और यहाँ पर जो हम लोग को टारगेट मिला है, यहाँ पर 1:3 से भी ज़्यादा पॉइंट्स का टारगेट मिला। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करें, देखिए यहाँ पर जो SL था वो SL 50 पॉइंट से भी कम था। अगर यहाँ पर इसका मार्केट जहाँ तक मूव किया है वहाँ तक अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर हम लोग को ऑलमोस्ट 187 पॉइंट्स का यहाँ पर मूव मिला है। उसके बाद मार्केट यहाँ से कम्प्लीटली रिवर्स हो गया। यहाँ पर स्टॉप लॉस को हम ट्रेल भी नहीं कर सकते, पर यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की जो मैंने 3 टेक्निक बताया हुआ है, पहली टेक्निक की कैंडल्स के हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल कर सकते थे। इस टेक्निक का अगर यूज किए होंगे तो यहाँ पर इस लेवल पर एग्जिट हो गए होंगे, नहीं तो और जो स्विंग वाला था इसकी स्विंग के पास हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है। यहाँ पर किसी तरह का स्विंग तो दिखा नहीं है, तो यहाँ पर इस टेक्निक का नहीं यूज कर सकते थे। और थर्ड मैंने जो शेयर किया था कि अगर आपका जो मूवमेंट है वहाँ से अगर 50% से ज़्यादा मार्केट करेक्शन कर जाता है, यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट यहाँ से नीचे आया फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर चला गया, इसका 50% ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं होता है। जब इतने 50% से ज़्यादा मार्केट नीचे आने लगे तो हमें अपने ट्रेड से एग्जिट होना था, तो यहाँ पर भी एग्जिट हो जाते, तो यहाँ पर लॉस नहीं होता। और यहाँ पर अगर इस पॉइंट से अगर आप इसका हाफ अगर प्रॉफिट अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करें, तो आपको इसमें ऑलमोस्ट 80-100 पॉइंट्स आपको इसमें मिल जाता, जो कि ठीक ही था। और जो कि आपका आज के दिन का जो लॉस हुआ था वो तो लॉस रिकवर हो जाता और प्रॉफिट में नहीं रहते, पर ओवरऑल ऑफ यहाँ पर आज के दिन ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस में रहते, जो कि ठीक ही है। पर कई लोगों ने मेरे पास यहाँ पे मैसेज किया कि आज के दिन कम्प्लीटली एसिलेट हुआ, तो भाई अगर आप जो अपना ट्रेड है वो ट्रेड सही जगह पर लेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, इसमें ऐसे लिट होता है, पर
इसमें प्रॉफिट भी बड़ा होता है, तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अगर आपको ये सेटअप ठीक लगता है तभी आप इस पर ट्रेड लीजिए। मैं किसी को यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पर इसी सेटअप पर ट्रेड लीजिए। आप और भी सेटअप है, और भी सेटअप को यूज़ कर सकते हैं, आप इस सेटअप को भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अगर आप इसमें, जब आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, और आपको वहाँ पर बड़ा प्रॉफिट आपको कैप्चर करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ छोटा प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो जाएंगे तो SL फेस में आपको दिक्कत आएगा। तो यहाँ पर आज के दिन हमें RSI स्ट्रेटजी पर सिर्फ 2 ट्रेड मिला। पहले ट्रेड में कम्प्लीटली SL हिट हुआ, और सेकेंड ट्रेड में हमारा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर सीखना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए। आपको मिनिमम 3 जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जो मैंने सिखाया है वो बिल्कुल आपके पास होना ही चाहिए। आप इस पर बैक टेस्ट करके एकदम इस पर परफेक्ट हो जाइए, तो आपको इसमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। आप लोग इस पर बैक टेस्ट नहीं करते, इसलिए आपको यहाँ पे लॉस हुआ होगा इस ट्रेड में। ओके, तो ये थे आज के दिन की ट्रेड रिपोर्ट। और हाँ, और आज के दिन यहाँ पे जो मैंने स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का वीडियो शेयर किया था, आज के दिन स्कैल्पिंग का यहाँ पे सेटअप बना था, पर फर्स्ट हाफ में हमें कोई खास मूवमेंट मिला नहीं, ना तो इंडिकेटर से हमें यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग साइड का मूवमेंट दिखा। तो मैंने यहाँ पे आज के दिन इसमें स्कैल्पिंग नहीं किया था, पर स्कैल्पिंग का सेटअप यहाँ पर बना था, क्योंकि मार्केट 2 दिन से एक ही रेंज में था। और जितने लोगों ने अभी तक मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अपने लाइव ट्रेड की वीडियो आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।